हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं अर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का सब्जेक्ट है इनकम टैक्स एंड लॉ। ये यूनिट टू है, यूनिट टू आज से स्टार्ट हो रही है। एंड ये हमारा अगर इनकम टैक्स सीरीज़ की बात करें लेक्चर फोर है। इससे पहले मैं तीन लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, बट ये यूनिट टू में हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिट टू यहाँ से स्टार्ट हो गई है। लेक्चर की सीरीज़ चलेगी ताकि आपको सीरियल पता रहे कि हमें किसके पास कौन सा लेक्चर देखना है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का पार्ट वन है। तो ये चैप्टर जब तक चलेगा इसके सारे पार्ट जो हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे चलेगा। अगर मैं आपको स्टूडेंट्स बुक रिकमेंड करूं, सो बुक जो है वो एसी मेहरोत्रा की मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उसी बुक के न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपके सॉल्व करवाऊंगी, मतलब न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं एसी मेहरोत्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। सो आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी। अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि अब मेरे लिए ये मोटिवेशन रहे कि मुझे और भी लेक्चर्स जो है वो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूनिट टू के सिलेबस के बारे में। सो आपको मैं बता दूं कि यूनिट टू में आपके फाइव हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है। सो एक इंडिविजुअल पर्सन को सैलरी से इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। पीजीवीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट किससे होगा? बिजनेस से होगा। गेन किससे होगा? प्रोफेशन से होगा। ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ ये अलग अलग फाइव चैप्टर्स हैं और इन सारे हेड से मिला के जो हमारी इनकम बनती है उसको कहते हैं हम GTI। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन में ही बताया था कि GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो इन फाइव हेड से होने वाली इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है। और ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में सेक्शन 80B के सब सेक्शन 5 में बताया गया है। सो आई होप आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। फर्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब देखिए, चूँकि हर एक हेड में बहुत सारे सेक्शन हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि सैलरी हेड में हमें सिर्फ तीन सेक्शंस पढ़ने हैं, 15 से लेकर 17 तक, 15, 16 एंड 17। ये तीन सेक्शन जो है वो हमें किस में पढ़ना है? सैलरी हेड में पढ़ना है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है 24 से स्टार्ट होता है 27 तक। एंड अगर हम लोग बात कर ले पीजीवीपी, तो पीजीवीपी 28 से स्टार्ट होता है 44 तक। कैपिटल गेन 45 से स्टार्ट होता है 55 तक। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट होता है 56 से 59 तक। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की। इसमें तीन सेक्शन हमें पढ़ने हैं। ये एक पूरी ब्रीफ समरी है जिसमें मैं आपको कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताना चाहूँगी ताकि आपको चीज़ें लर्न हो सकें। सो फाइव हेड्स ऑफ इनकम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सभी सेक्शन में मतलब सभी चैप्टर में चार्जिंग सेक्शन होता है और जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो सबसे स्टार्टिंग सेक्शन जो होगा, मतलब सैलरी हेड में हमें तीन सेक्शन पढ़ने, 15, 16, 17। तो 15 चार्जिंग सेक्शन, 22 से 27 तक हाउस प्रॉपर्टी है, तो 22 स्टार्टिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन। 28 से हमने अभी आपको बताया था पीछे, ये देखिए 28 से 44 तक हमको जो पढ़ना है वो पीजीवीपी में पढ़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीजीवीपी में जो स्टार्टिंग सेक्शन है वो 28 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन कहाँ से स्टार्ट होता है? 45 से 55 तक। तो 45 इसका चार्जिंग सेक्शन हो गया। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो इसका चार्जिंग सेक्शन जो है वो 56, मतलब हर एक सेक्शन का स्टार्टिंग सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। ठीक है, एंड डीमिंग प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं कि हर एक सेक्शन में डिडक्शन सेक्शन होता है। डिडक्शन का मतलब होता है कि हर एक सेक्शन में हमें छूट कहाँ पे मिलेगी, मतलब किस इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना है। तो डिडक्शन सेक्शन अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो 16 है, सिर्फ अभी हम लोग सैलरी की बात करते हैं। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो 24 है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब PGBP की बात करें 30 से लेकर 37 तक जितने भी सेक्शन है वो डिडक्शन सेक्शन है, जिसमें डिडक्शन अलाउ होती है। एंड कैपिटल गेन की बात करें 45 एंड 54, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो 57। डिडक्शन किस में अलाउ नहीं होती है, तो सैलरी में ऐसा कोई हेड नहीं जिस पर डिडक्शन नॉट अलाउबल हो, बट हाउस प्रॉपर्टी में है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। इस समरी के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी हमें सिर्फ बात करनी है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें तीन सेक्शंस पढ़ने हैं, 15, 16, 17। 15 चार्जिंग सेक्शन है, 16 डिडक्शन का सेक्शन है, एंड 17 अदर प्रोविजन का सेक्शन है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इनकम अंडर द हैट ऑफ सैलरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन सेक्शंस हैं, चलिए बात कर लेते हैं। वो तीन सेक्शन क्या हैं, 15, 16, 17, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। 15 चार्जेबिलिटी सेक्शन है, 16 डिडक्शन का सेक्शन है हमारा, और जो 17 है वो मीनिंग का सेक्शन है। मीनिंग मतलब सैलरी का मीनिंग हम 17 में पढ़ेंगे, परक्यूजिट का मीनिंग हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे, एंड प्रॉपर्टी इन लियो ऑफ सैलरी क्या होता है ये भी हम 17 में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, चार्जेबिलिटी का मतलब है कि इनकम हमारी सैलरी हेड में कब चार्जेबल होगी। तो कब चार्जेबल होगी, जब सैलरी हमारी ड्यू होगी या पेड होगी या अलाउ होगी, या अगर नहीं भी ड्यू है, एंड एरियर ऑफ सैलरी। तो इतने तरीके की सैलरी जो होती है वो चार्ज की जाती है। डिडक्शन तीन तरीके की होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है। पहले अगर हम लोग बात करें, मतलब मैं आपको 2021 प्रोविज़न, जो नया अभी प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। 19 एंड 20 में अगर बात करें तो ये डिडक्शन 40,000 की थी स्टूडेंट्स, बट अभी ये चेंज हो चुकी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हमको अलाउ होती है 50,000। ठीक है, इंटरटेनमेंट की एक अलग डिडक्शन है, हम इसके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे, और प्रोफेशनल टैक्स, इसकी हमको डिडक्शन मिलती है। तो ये तीन डिडक्शंस हमको मिलती हैं 16 हेड में। 17 में हम इन सब चीज़ों का मतलब समझेंगे। तो अब चलिए डीप में बात करते हैं कि सैलरी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, एक पर्सन अगर कहीं पे भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, मान लीजिए हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो जॉब करने का मतलब है कि हम वहाँ के एम्प्लॉई हैं। जहाँ पे भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी तभी जनरेट होगी जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। सो एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, सो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को उसकी सर्विसेज जो भी रेंडर करता है, उसके लिए जो भी पेमेंट देता है, उसको कहते हैं सैलरी। एंड सैलरी जो होती है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर एम्प्लॉई हैं, हमारा एम्प्लॉयर जो हमें सैलरी दे रहा है वो हमारे लिए इनकम है। तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि अगर आप इनकम को अर्न कर रहे हैं तो आप हमें टैक्स दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए हमें टैक्स देना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको किस हेड में टैक्स देना है। तो अगर हम एम्प्लॉई हैं, कोई एम्प्लॉयर हमें सैलरी दे रहा है, तो वो जो इनकम हमें सैलरी से होगी, मतलब तो वो जो इनकम हेड चार्ज होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में चार्ज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो हमने बात की इनकम फ्रॉम सैलरी की। तो सैलरी क्या होता है, एक कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन, रेमुनरेशन, इनको इस नामों से जाना जाता है। सो रेमुनरेशन या फिर कंसिडरेशन होता है विच इज़ रिसीव्ड। ये कब रिसीव होता है, एम्प्लॉई को, किससे रिसीव होता है, एम्प्लॉयर से रिसीव होता है। क्यों रिसीव होता है, क्योंकि एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है। तो जो एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को दे रहा है, उसी के बदले में उसको फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में जो भी कंसिडरेशन मिलता है, उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। एंड द सैलरी विल बी सेड टू बी ओरिजिनेटेड एंड रिसीव्ड, मतलब जो सैलरी होती है वो जो है वो रिसीव्ड होती है। तो हम तभी उसको मानेंगे रिसीव्ड होगी जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, और ये हमसे MCQ में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, जैसे कि अगर बात कर लें बेटा एंड फादर एंड सन, सो फादर एंड सन के बीच में कभी भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होगा। एम्प्लॉई अगर ये अपने सन को एज अ एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं, तब ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, तब ये इनको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो चार्जेबल होगी। बट ये एज अ बिजनेस मैन है, तो इनकी सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं होगी। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है किस चीज़ से, वर्क से रिलेटेड, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो पेमेंट करता है, उस पेमेंट को क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं, और उस कंसिडरेशन को हम लोग सैलरी के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सैलरी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा।
अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग सेक्शन की। तो मीनिंग सेक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि सेक्शन 17 में हमें तीन चीज़ों की मीनिंग पढ़नी है। वो मीनिंग क्या है? सैलरी की मीनिंग, कि सैलरी में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, परक्यूजिट्स क्या होता है उसकी मीनिंग, एंड प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी ये क्या होता है। देखिए, सैलरी का मीनिंग सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में है, परक्यूजिट का मीनिंग सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 में है, एंड प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी का जो मीनिंग है वो सेक्शन 17 के सब सेक्शन 3 में है। स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन ज़रूर याद होना चाहिए सैलरी के मीनिंग। अब हम बात करेंगे कि भाई सैलरी में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो सैलरी का मीनिंग फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सैलरी के बारे में बताया गया है कि सैलरी में इंक्लूड होता है मॉनेटरी पेमेंट। मॉनेटरी पेमेंट मतलब जो बेसिक सैलरी मिलती है, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, वो सारे होते हैं मॉनेटरी पेमेंट। नॉन मॉनेटरी पेमेंट को हम लोग परक्यूजिट्स कहते हैं। नॉन मॉनेटरी पेमेंट क्या होता है? आपका हाउसिंग अकोमोडेशन, रहने के लिए घर मिल रहा है, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हमको मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, फ्री लोन, हमको लोन मिला उस पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब जो सैलरी होती है उसमें दो पेमेंट होते हैं, एक तो मॉनेटरी पेमेंट, एक नॉन मॉनेटरी पेमेंट। ये दोनों ही हमारे सैलरी का पार्ट होती हैं, तो दोनों ही हमारे लिए टैक्सेबल होंगी। ओके, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी मैं बात करूँगी कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू ग्रेट सिस्टम ऑफ सैलरी। देखिए, हम लोगों को पता है कि अब जब भी हम कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक ग्रेड सिस्टम होता है। ग्रेड का मतलब होता है कि हर साल सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, सैलरी फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं पे जॉब स्टार्ट किया, हमें 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है, अब हमें पता चलता है कि वहाँ पे हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो ये क्या है, 10% क्या है? ग्रेड, हमारे लिए ये ग्रेड लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेड सिस्टम। तो समझ लेते हैं कि ग्रेड सिस्टम हमारी सैलरी में क्या होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सैलरी चैप्टर में आगे मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि सैलरी में ग्रेड कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनुअल इंक्रीमेंट इन अ फिक्स सैलरी, मतलब हमारी सैलरी फिक्स है। जब हम सैलरी, मतलब जब जॉब ज्वाइन करते हैं, हमारी सैलरी फिक्स होती है, बस उसमें इंक्रीमेंट लगता है। अब इंक्रीमेंट कब लग रहा है? इफ़ द एम्प्लॉय ज्वाइन 1 जुलाई 2017, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई जो है वो 1 जून 2017 को ज्वाइन कर रहा है, एंड ही प्लेस्ड इन ग्रेड सिस्टम, वहाँ पर ग्रेड सिस्टम है, 16,000 पे उसने ज्वाइन किया। अब ये 400 रुपये क्या है? 400 रुपये का मतलब है कि हर साल 400 रुपये इंक्रीमेंट लग रहा है। कब तक? जब तक उसकी सैलरी 20,000 नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी 20,000 होगी, तब उसका इंक्रीमेंट 500 रुपये लगेगा। तब तक लगेगा जब तक उसकी सैलरी 25,000 नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सैलरी इसमें कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन इस मीन दैट कि ही सैलरी गेट 1 जून 2017, तो 1 जून 2017 को उसको सैलरी मिलेगी पर मंथ 16,000 रुपये, एंड उसको एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा 400 रुपये का। देखिए, यहाँ पे 400 रुपये है, इंक्रीमेंट कब लगेगा? अगर हमें आज की डेट पे सैलरी मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर इसी डेट पे हमारा इंक्रीमेंट लगेगा। तो अगर हम बात करें 1 जून 2018 में हमारी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 16,400। क्लियर? फिर नेक्स्ट ईयर बात करें 1 जून 2019 में हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी? फिर हम ऐड कर देंगे इसमें 16,800। ये कब तक लगेगा? जब तक हमारी सैलरी 20,000 नहीं हो जाती है। जैसे ही हमारी सैलरी 20,000 पहुंचेगी, हमारा इंक्रीमेंट जो है उसी साल से 500 रुपये लगेगा। तो ये एक ग्रेड सिस्टम होता है। अब 500 रुपये कब तक लगेगा इंक्रीमेंट? जब तक हमारी सैलरी जो है वो 25,000 तक नहीं पहुँच जाती है। सो आई होप आपको ग्रेड सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट, सैलरी में इंक्लूड करते हैं सैलरी, वेजेस। ठीक है, किसी भी तरीके की सैलरी हम लोगों को पे हो रही है, वेजेस पे हो रही है, उसको भी सैलरी के अंदर काउंट करते हैं। एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी पेंशन रिसीप, एन्यूटी या फिर पेंशन रिसीप्ट होती है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को पोस्ट रिटायरमेंट। जब कोई भी एम्प्लॉई रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर उसको जो है वो पेंशन देता है, ये एन्यूटी की पेमेंट करता है। ठीक है, तो वो भी हमारा सैलरी का पार्ट होता है। ग्रेजुटी, किसी भी तरीके की कोई भी फीस, कमीशन, बोनस, ठीक है, वो भी हमारा सैलरी का पार्ट होता है। एडवांस सैलरी मिल रही है, लीव इन कैशमेंट मिल रहा है,
कोई भी ड्यू, ड्यू को हम लोग कहते हैं एरियर सैलरी। एरियर सैलरी का मतलब होता है एनी सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कोई सैलरी हमारी प्रीवियस ईयर में ड्यू है एंड विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी तो हम उसको रिसीव्ड मान लेंगे क्योंकि हमारी ड्यू हो गई। तो ड्यू बेसिस पे भी हमें टैक्स पे करना होता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द सैलरी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक एम्प्लॉई को, आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड जो होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो, दोनों को ही प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% से ज़्यादा होता है, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, बट अगर 12% से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में होगा। प्रोविडेंट फंड हमारे चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं, स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में भी हम डीप में बात करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सैलरी के पार्ट में प्रोविडेंट फंड को भी इंक्लूड करते हैं एंड एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक तो एग्जेम्प्ट होगा, हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट 12% से ज़्यादा होगा तो हमें टैक्स देना है। अगर प्रोविडेंट फंड पर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है तो इंटरेस्ट 9.5% तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट अगर 9.5% से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो हमको टैक्स देना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रांसफ़र बैलेंस है तो उस पर भी हमें टैक्स देना होता है, वो भी सैलरी का पार्ट होता है। ओवर टाइम पेमेंट, रिटेशमेंट कंपनसेशन मिलता है, VRS मिलता है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द एम्प्लॉयज़ इन न्यू पेंशन स्कीम, पेंशन अमाउंट मिल रही है एंड एनी रिमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयर। मान लीजिए मैं एक ही टाइम पर हम दो जगह नौकरी कर रहे हैं, तो अगर हमें कहीं और से भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी एड में चार्जेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आया कि सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेजुटी, फीस, सैलरी एडवांस में, ड्यू में, लीव इन कैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफ़र बैलेंस, ओवर टाइम पेमेंट, तो ये सारा जो है वो हमारा सैलरी का पार्ट होता है। ओके, देखिए ध्यान रखिए अगर स्टूडेंट, सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सैलरी प्लस अलाउंस प्लस अलाउंस क्या होता है, अलाउंस का मतलब होता है भत्ते। ठीक है, सैलरी के अलावा हमें कोई भी अलाउंस मिल रहा है, जैसे कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, हॉलीडे अलाउंस मिल रहा है, टिफिन अलाउंस मिल रहा है, तो सैलरी के अलावा अलाउंसेज प्लस परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, परक्यूजिट इज़ अ नॉन मॉनेटरी पेमेंट, जैसे कि हमें रहने के लिए घर मिल रहा है तो उसकी भी वैल्यू तो होगी ना। ठीक है, हमें उसके पैसे नहीं मिलेंगे बट वैल्यू को तो कंसीडर करेंगे ना, तो वो परक्यूजिट में आता है। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, इन चारों को जोड़ने से, ध्यान रखिएगा, अगर इन फोर को जोड़ देते हैं तो हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है और उस ग्रॉस सैलरी से हम डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शन कौन सी, 16 की। 16 में तीन डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है, इंटरटेनमेंट अलाउंस उसकी भी डिडक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिसको हम लोग प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं। इन तीनों डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो सैलरी आती है उसको कहते हैं टैक्सेबल सैलरी, जिस पर हमें टैक्स देना होता है। चलिए, इसमें एक पॉइंट निकल के आया, सैलरी के बारे में हमने बात कर ली कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करेंगे डीप में कि अलाउंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो अलाउंस क्या होता है, अलाउंस की बात करेंगे हम लोग। अलाउंस क्या होता है, पेमेंट ऑफ अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है जो भी हमें कैश में मिलता है। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ अलाउंस इज बीइंग डन इन कैश एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ भी कैश में देता है तो वो अलाउंस कहते हैं उसको। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में फोर अलाउंसेस के बारे में बात की गई है। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि जिस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, मतलब अगर हमें मान लीजिए ये अलाउंस मिल रहे हैं तो उस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिस पे हमें फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, मतलब मान लीजिए अगर वो हमें अलाउंस मिल रहा है तो उस पे हमें कोई भी छूट नहीं मिलती है, उस पे हमें पूरा का पूरा टैक्स देना होता है। कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं पार्शली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब जो एक सर्टेन लिमिट तक तो टैक्सेबल होते हैं बट उसके बाद क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, तो फोर टाइप के अलाउंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने शॉर्ट समरी लिखी है
कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, बेसिक सैलरी में वेजेस सैलरी, एडवांस सैलरी, ड्यू सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी को कहती है ड्यू सैलरी, एन्यूटी पेमेंट, ग्रेजुटी फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, अलाउंसेस में जैसे कि आपका डेयरनेस अलाउंस हो गया, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, परक्यूजिट्स, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्सेस इंटरेस्ट रिसीव, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो अब हम बात करेंगे कि अलाउंसेस के बारे में, हमने बात की थी अलाउंसेस में। देखिए तीन तरीके के आपको अलाउंसेस याद रखने हैं। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में कौन से अलाउंस होते हैं जिन पे हमें कोई भी छूट नहीं मिलती है, जिस पे हमें पूरा का पूरा टैक्स देना होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, उस पर हमें कोई भी छूट नहीं मिलती है, ठीक है, कोई भी हमको डिडक्शन मतलब कि कोई भी छूट नहीं मिलती है, हमें पूरे का पूरा टैक्सेबल होता है। जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट हमको महंगाई भत्ता देती है। ओवर टाइम अलाउंस, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, इंट्रीम अलाउंस मिलता है, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच या फिर डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डनर अलाउंस जो भी मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस टू दी एम्प्लॉई अदर देन, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलाउंस मिल रहा है कौन से एम्प्लॉयज़ को, जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, अगर उनको उनको छोड़कर, मतलब उनको छोड़कर अगर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको टैक्सेबल अलाउंस के बारे में, देखिए इन सब में हमें डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो टैक्सेबल अलाउंस है ये करीब 12 टैक्सेबल अलाउंस है जिस पे हमें पूरा का पूरा टैक्स देना होता है, हमें कोई भी छूट नहीं मिलती है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस की हम बात करें तो उसमें जो है वो आपके आते हैं टू टाइप के अलाउंसेस। एक है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, और एग्जेम्प्ट कहाँ पे होता है, अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 13A में। ध्यान रखिएगा ये इस चैप्टर की जान है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या MCQ पैटर्न हो। अगर आपका सब्जेक्टिव भी होता है तो भी इसमें क्वेश्चन आता है, अगर MCQ है तो भी इससे क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है हाउस रेंट अलाउंस, अभी मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, डीपली बात करूंगी। सो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है एक सर्टेन लिमिट तक। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी मान लीजिए टैक्स बिल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हम कहें 20,000, 30,000 एंड 40,000। अब इसमें से कहा गया लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, तो 20,000 एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। और जो हमें HRA, मान लीजिए ये हमको हाउस रेंट अलाउंस 30,000 मिल रहा है, तो टैक्स बिल कितना हो गया, 10,000 रुपये, जितना एक्सेस होता है एग्जेम्प्ट से। तो एग्जेम्प्ट किस में होता है, अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 13A में। कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जिसकी हमको पार्शली जो भी एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 14 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात हो गई कि जो फुल्ली टैक्सेबल है, जो पार्शली टैक्सेबल हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब ये अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं तो उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन से अलाउंसेस हैं। सो वो अलाउंसेस हैं हमारे, अगर अलाउंसेस हाई कोर्ट के जज को मिल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अलाउंसेस पेड बाय दी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलाउंस पे किया जा रहा है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीट हो रहा है बाय दी जज तो उसको भी पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे अलाउंसेस जो हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं, जिस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो आई होप कि आपको शॉर्ट वीडियो में ये सैलरी का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप SC मेहरोत्रा की बुक अगर आपके पास है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में ये बुक जो है वो रिकमेंड की जाती है। सो मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं उसी बुक के अकॉर्डिंग आपका चलूंगी कोर्स लेके, ठीक है। तो मैंने आपकी इसमें डीप में बात कर ली
अलाउंसेस के बारे में, तीन चार तरीके के अलाउंस होते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं जिसपे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, पार्शली टैक्सेबल होते हैं एंड स्पेशल अलाउंसेस। तो अलाउंसेस के बारे में बात की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे HRA के हाउस रेंट अलाउंस की, इसके कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि SC मेहरोत्रा की बुक में मैं क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन भी कराऊंगी, और साथ ही साथ देखिए स्टूडेंट चैप्टर में आपको मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड, चाहे इलस्ट्रेशन हो SC मेहरोत्रा का, चाहे आपका अनसॉल्व क्वेश्चन हो, वो कराऊंगी, और मैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, सॉल्यूशन मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े उसको अच्छे से पढ़ सके, उसका क्वेश्चन भी लगा सके, उसका इलस्ट्रेशन भी लगा सके। सो नेक्स्ट वीडियो की में मैं आपसे हाउस रेंट अलाउंस डिस्कस करूँगी, सो मैं सीरीज लेके आऊँगी पूरी, ठीक है, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में बात करूँगी। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ताकि मैं उस पूरी क्वेरी को टेकअप कर सकूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइएगा, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैम इस तरीके से करिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूंगी। बट प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं और मैं पूरी तरीके से मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो ऐसे ही मेहरोत्रा का मैं पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी, तो कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सो आपको